वेलकम बैक टू एमडीज कुकिंग अरीना। मैं हूं शेफ अहमद हमाद एंड आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है राइसमो। मेरी जबान में इसको राइसमो कहते हैं, जैसे मोमोज होते हैं। ये उसी तरीके की एक डिश है जिसके अंदर किसी भी मीट की फिलिंग होती है और ऊपर जो है हम इसके ऊपर राइस चढ़ाएंगे। और एक अपनी सी नई सी इन्वेंशन है और आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको प्रोसेस पता चलेगा कि क्या है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल, बाउल ले लिया। बाउल में सबसे पहले हमें चाहिए कीमा, ठीक है। कीमा कुछ लोग करते हैं चॉपर में चॉप कर लेते हैं, हाथ का मोटा मोटा कीमा चाहिए। ये इसमें हम डालेंगे। आधा किलो की रेसिपी है। आधा किलो में सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ये कीमा है मोटा वाला, ठीक है। तो मोटे वाले कीमे के लिए हमें इसमें बाइंडिंग चाहिए। बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल लें 2 टेबल स्पून आधा किलो में, या 3 टेबल स्पून बाइंडिंग के हिसाब से, और या तो मैदा भी आप डाल सकते हैं। तो हमने इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे मैदा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सीजन करेंगे। सीजन क्या करना है, ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश जी। तो ये मेरे पास है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट डालूंगा 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसी के साथ साथ सोया सॉस 1 टेबल स्पून, गार्लिक 1 टेबल स्पून आप डालेंगे इसमें, जिंजर 1/2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें चॉप हुई 1 टेबल स्पून, हरा प्याज 1/2 कप जो है वो चॉप हुआ हुआ मोटा। ये एक जैपनीज डिश है, ठीक है। जैपनीज जो है वो ऐसी फिलिंग्स, इसी के अंदर प्रॉन्स की फिलिंग, इसी में बीफ की भी साथ में फिलिंग करते हैं और वो डालते हैं। बैम्बू शूट डलता है इसके अंदर, ठीक है। तो यार रेसिपीज आपका भाई आपको बहुत ज़बरदस्त देता है, जब वायरल होंगी ना तब आप याद करेंगे। ये देखें, ये मोटा मोटा मिक्सर है और ये बाइंड हो रहा है हाथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक मिक्सर बन गया है। इसके हमने बनाने हैं ऐसे बॉल्स, ठीक है। और बॉल्स बना के हम इसके ऊपर जो है वो राइस चढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। देखें अब हमने क्या करना है, सेम एक कोफ्ते जितना बॉल लेना है, ठीक है। उस बॉल को, ये मेरे पास राइस है जिसको, राइस को मैंने इसके इसको इसके अंदर पानी था, ठीक है। इसको मैंने राइस लिए 1/2 कप, उसमें मैंने पानी डाला, पूरे भिगो लिए। इसके अंदर मैंने नमक भी डाला, ठीक है, ताकि ये सीजन हो जाए। और 1/2 घंटा भिगो के रखा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये चावल जो है इसको कोट कर लूँगा। कोट करने के बाद और इसी तरीके से आपने सारे जो बॉल्स हैं ना वो बना लेने। वेल, इट्स टाइम फॉर स्टीमिंग। अब हम इनको करेंगे स्टीम, और स्टीम हम इनको करेंगे एग्जैक्टली 10 से 12 मिनट के लिए। और उसके बाद जो जूसी से मीट बॉल्स हमारे जो तैयार होंगे उसके साथ हम आपको मिलेंगे। ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक स्टीमर, इसके अंदर तो ये हो रहे हैं स्टीम। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप किसी भी पॉट में पानी डाल के और उसमें रख के आप उसमें स्टीम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।